जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, इसका नाम है Realme 8 और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR अनबॉक्स। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं Realme 8 में स्टॉक कैमरा वर्सेस जी कैम। मैं आपको अलग अलग मोड में अलग अलग फोटो सैंपल्स दिखाऊंगा और लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या आपको Realme 8 में जी कैम यूज करना चाहिए या आपके स्टॉक कैमरे से ही जी कैम से बेटर फोटोज आ सकती है। गाइस, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यूजफुल है, आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे Realme 8 की इस स्मोक बैक कवर का गिव अवे चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, क्लिक करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, Realme 8 के स्टॉक कैमरा के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, बाकी जी कैम को कैसे इंस्टॉल करना है, उसके बेसिक जितने फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। बाकी हम जो जी कैम का वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं वो है जी कैम वर्जन 8.1। मैंने जितने भी सैंपल्स क्लिक किए हैं सेम जी कैम वर्जन 8.1 से ही क्लिक किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में Realme 8 के स्टॉक और जी कैम में हम स्टॉक कैमरे में जो आपको फीचर्स मिलते हैं उनमें से बहुत से फीचर आपको जी कैम में नहीं मिलते हैं। जितने फीचर्स आपको जी कैम में मिलते हैं उन्हीं फीचर्स का हम कंपैरिजन स्टॉक कैमरा से करने वाले हैं। दोस्तों, अब मैं आपको अलग अलग मोड में मैंने जो सैंपल्स क्लिक किए हैं Realme 8 के स्टॉक और जी कैम से, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, देन हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कौन से कैमरे में बेटर फोटो क्वालिटी आपको मिलती है। फर्स्ट सैंपल दोस्तों हमने जो शूट किया है वो किया है नॉर्मल मोड में। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि स्टॉक कैमरे में आपको जो फोटो आती है वो थोड़ा सा उसका जो कलर है वो बूस्ट हो चुका है, वहीं पे आप नोटिस करेंगे कि जी कैम में आपको एकदम नेचुरल कलर्स मिलते हैं। अगर आप देखते हैं नीचे जो पॉट है उसमें भी आपको जो थोड़ा सा ग्रीन कलर है, थोड़ा सा ज्यादा लाइट ग्रीन मिलता है, वहीं पे जी कैम में आपको एकदम नेचुरल कलर मिलता है। बट मैं बात करूंगा जो आई कैची फोटोज है जो देखने में थोड़ा अच्छी लग रही है वो आपको स्टॉक कैम की ज्यादा बेटर लगेगी। नेक्स्ट सैंपल दोस्तों नॉर्मल मोड में ही मैंने सेम कंडीशन में 2x जूम करके लिया, यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे स्टॉक कैमरे की फोटो का कलर थोड़ा सा बूस्ट हो चुका है कंपेयर टू जी कैम। बट पर्सनली मुझे जो फोटो यहाँ पे ज्यादा अच्छी लग रही है वो है स्टॉक कैम की, क्योंकि यहाँ पे जो कलर है थोड़ा सा ज्यादा बूस्ट हो चुका है। नॉर्मल मोड में ही दोस्तों अगर हम ह्यूमन फेसेज की बात करते हैं, यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे कि आपको स्टॉक कैमरे में जो फोटो है वहाँ पे आपको बेटर ह्यूमन फेस के साथ ही बेटर लाइट, बाकी आपको जो पीछे के बैकग्राउंड्स के कलर हैं उनका भी कलर थोड़ा सा बूस्ट होके काफी अच्छा निकल के आ जाता है। बट वहीं अगर आप डायनेमिक रेंज देखेंगे तो आपको जी कैम में बेटर डायनेमिक रेंज मिल जाती है, स्टॉक कैमरे में आपका पूरा जो स्काई है वो पूरा व्हाइट हो चुका है, लेकिन जो आई कैची फोटो है पर्सनली मुझे Realme 8 के स्टॉक कैमरे की ज्यादा बेटर लग रही है। नेक्स्ट फोटो सैंपल दोस्तों नॉर्मल मोड में ह्यूमन फेस 2x जूम करने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। स्टॉक कैमरे में आपको टी शर्ट का एकदम नेचुरल कलर देखने को मिलेगा, वहीं जी कैम में कलर चेंज हो चुका है। बाकी आप देखेंगे पीछे का बैकग्राउंड, उसमें आपको जो ग्रीन आपको जो जितने भी ट्रीज हैं उनका कलर ज्यादा बेटर आपको नोटिस होगा कंपेरिजन टू जी कैम। बट यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि Realme 8 के स्टॉक कैमरे में जो आपको ह्यूमन फेस पे स्किन टोन मिलता है वो थोड़ा सा आपको रेडिश टोन मिलता है, वहीं पे आपको जी कैम 8 ने बिल्कुल नेचुरल स्किन टोन नोटिस होगा। नेक्स्ट सैंपल है दोस्तों पोर्ट्रेट मोड ह्यूमन फेस, यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे कि आपको जो बैकग्राउंड का बुके मिलता है वो Realme 8 में काफी बेटर मिल जाता है। बट डायनेमिक रेंज की बात करें तो आपको जी कैम में बेटर मिलती है, बाकी जो टी शर्ट का ओरिजिनल कलर है नेचुरल कलर है वो आपको Realme 8 के स्टॉक कैमरे में मिलता है। बाकी अगर मैं आपको बात करूं स्किन टोन की वो भी जी कैम से बेटर आपको Realme 8 के स्टॉक कैमरे में नोटिस होगी। नेक्स्ट सैंपल है दोस्तों पोर्ट्रेट मोड ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे कि आपको जो रेड कलर मिलता है स्पीकर का स्टॉक कैमरे में थोड़ा सा बूस्ट कलर हो जाता है, जी कैम में थोड़ा सा आपको क्लोज टू नेचुरल रहता है। बैकग्राउंड बुके की बात करें आपको Realme 8 में काफी अच्छा बुके मिल जाता है, वहां पे आपको एडजस्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। बट ओवरऑल अगर हम डिटेल की बात करें तो आपको जी कैम में काफी अच्छी डिटेल मिल जाती है, बट जो फोटो सबसे ज्यादा आई कैची है देखने में ज्यादा बेटर लगती है वो स्टॉक कैमरे की है। नेक्स्ट सैंपल है दोस्तों पोर्ट्रेट मोड सेल्फी कैमरे में, यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे कि आपको बैकग्राउंड का जो बुके है Realme 8 के स्टॉक कैमरे में काफी बेटर मिल जाता है कंपैरिजन टू जी कैम। बट यहाँ पे जो फोटो है उसमें आप देखेंगे कि जो टी शर्ट का नेचुरल कलर है वो आपको जी कैम में ज्यादा बेटर मिलता है, Realme 8 में थोड़ा सा कलर ज्यादा फेड हो जाता है। स्किन टोन की बात करें तो आपको Realme 8 के स्टॉक कैमरे का बेटर स्किन टोन लगेगा, बाकी फोटो में डिटेल की बात करें तो वहां पे आपको जी कैम में बेटर फोटो मिलेगी कंपेयर टू Realme 8 स्टॉक कैम। नेक्स्ट सैंपल है दोस्तों नाइट मोड में, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि स्टॉक कैमरे में आपको कम लाइट मिलती है कंपेयर टू जी कैम। मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने एस्ट्रोग्राफी मोड को भी ऑन नहीं किया था, ऑफ करने के बाद ही आप सैंपल देखेंगे तो काफी बेटर फोटोज आपको मिल जाती है नाइट मोड में Realme 8 में जी कैम से कंपेयर टू स्टॉक कैम।
नेक्स्ट सैंपल है दोस्तों नाइट मोड 2x जूम। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपको स्टॉक कैम से काफी बेटर फोटोज मिलती हैं जी कैम में। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो लाइट है मेन ऑब्जेक्ट की, जी कैम ने काफी बेटर कैप्चर किया है कंपेयर टू स्टॉक कैम। तो दोस्तों नाइट मोड में आपको जी कैम में काफी बेटर फोटोज मिलने वाली है। नाइट मोड में दोस्तों अगर हम ह्यूमन फेस की बात करें तो यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे स्टॉक कैम के कंपैरिजन में जी कैम यहाँ पे काफी बेटर लाइट कैप्चर करता है। साथ ही साथ डायनेमिक रेंज की बात करें तो यहाँ पे भी आप नोटिस कर पाएंगे कि आपको जी कैम में काफी बेटर डायनेमिक रेंज मिलती है कंपेयर टू स्टॉक कैम। नेक्स्ट सैंपल दोस्तों मैंने क्लिक किया है वो है पैनारोमा। आप नोटिस करेंगे कि दोनों में काफी क्लोज फोटोज आपको मिल जाती है, बट अगर आपको एक पिक करना है तो आपको रियलमी 8 के स्टॉक कैमरे से काफी बेटर फोटो मिलती है कंपेयर टू जी कैम। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपको डायनेमिक रेंज मिलती है दोनों में करीब करीब सेम मिल जाती है, बट आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको रियलमी 8 में बेटर डायनेमिक रेंज मिलेगी। बाकी यहाँ पे जो फोटो की डिटेल है वो रियलमी 8 के स्टॉक कैमरे में ज्यादा अच्छी मिलती है। वीडियो सैंपल में दोस्तों स्लो मोशन की बात करें, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपको Realme 8 में जो भी वीडियो सैंपल है उसमें जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है उसका कलर थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे स्लो मोशन को शूट करते टाइम एक चीज नोटिस किया कि जी कैम में फोकस का थोड़ा इशू होता है, बट आप Realme 8 के स्टॉक कैमरे से अगर स्लो मोशन कैप्चर करते हो उस कंडीशन में आप फोकस को लॉक करके काफी बेटर स्लो मोशन कैप्चर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वीडियो सैंपल में नॉर्मल मोड कैमरे में 1080p 30fps में मैंने शूट किया है। आप देखेंगे कि Realme 8 का जो स्टॉक कैमरा है वहां पे वीडियो में फ्रंट कैमरे में आपको नोटिस होगा कि आपको जो बैकग्राउंड में डायनेमिक रेंज है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलती है कंपेयर टू Realme 8 के जी कैम से। बाकी यहाँ पे बात करें अगर ह्यूमन फेस की तो आप फेस पे नोटिस करेंगे बाकी जो टी शर्ट का कलर है वो आपको नेचुरल मिलता है Realme 8 के स्टॉक कैमरा में, जी कैम में थोड़ा सा कलर फेड हो जाता है। बैक कैमरे से दोस्तों वीडियो सैंपल की बात करें मैंने 1080p 30fps में शूट किया है। यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे कि आपको Realme 8 के स्टॉक कैमरे में आप देखेंगे जो यहाँ पे पत्तियों का कलर है काफी अच्छा मिल जाता है कंपेयर टू जी कैम। डायनेमिक रेंज की बात करें वो भी आपको Realme 8 के स्टॉक कैमरे में काफी अच्छी मिल जाती है। वहीं पे आप नोटिस करेंगे कि जी कैम में आपको जो कलर थोड़ा सा मिलता है थोड़ा सा फेड कलर है, बाकी डायनेमिक रेंज आपको काफी बेटर मिल जाती है, बट यहाँ पे कलर की जो एक्यूरेसी है वो Realme 8 के स्टॉक कैमरे में आपको काफी बेटर मिलती है। दोस्तों सबसे मेन चीज, क्या आपको Realme 8 में जी कैम इंस्टॉल करना चाहिए या स्टॉक कैमरे से ही फोटो क्लिक करनी चाहिए? मैं अगर आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो आपको जी कैम इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्टॉक कैमरे से ही काफी अच्छी फोटोज को क्लिक कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं, अपने सैंपल्स देख लिए, वहां पे आप नोटिस करेंगे कि जी कैम में मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आपको फोटो में डिटेल काफी अच्छी मिलती है, डायनेमिक रेंज काफी बेटर होती है, बट वहां पे जो आपका स्किन टोन होता है जो आपके ऑब्जेक्ट का कलर होता है वो थोड़ा सा फेड होता है। अगर आप एडिटिंग जानते हैं देन आप एडिट करके उसको थोड़ा सा इनहेंस कर सकते हैं, कलर को बूस्ट कर सकते हैं, बट अगर आप नॉर्मल यूजर हैं आपको फोटोज वगैरह बहुत ज्यादा एडिट नहीं करनी है तब आप बिल्कुल इजीली स्टॉक कैमरा को यूज कीजिए, वहां पे आपको काफी अच्छे कलर्स मिल जाते हैं, बाकी जो कलर बूस्ट होते हैं फोटो थोड़ा आई कैची लगती है। तो मेरा ओपिनियन होगा कि आपको कोई जरूरत नहीं है इंस्टॉल करने का जी कैम, केवल सिंपल सा आप स्टॉक कैमरे से फोटोज और वीडियोज को क्लिक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जय हिंद।